हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लिबोलिन 0.31 mg रेस्प्यूल्स के बारे में, जो कि इस रेस्प्यूल्स को कई सारी समस्याओं में यूज की जाती है। और ये रेस्प्यूल्स को न्यूबुलाइजर मशीन में डालकर भाप लिया जाता है, और न्यूबुलाइजर मशीन में डालकर कैसे यूज करना है इसके बारे में बात करेंगे आगे। और हम बात करेंगे और किस किस प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं, क्या इसका प्राइस है, कैसे यूज करना है और क्या इसका साइड इफेक्ट है, इन सभी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये लिबोलिन 0.31 mg रेस्प्यूल्स जो कि सिप्ला कंपनी की है, और इसकी प्राइस की बात करें तो ₹27 है, जो कि एक पैकेट में 5 रेस्प्यूल्स होती है, जो कि एक रेस्प्यूल्स आपको 5-5.5 रुपए के आसपास मिल जाएगी, तो किसी भी मेडिकल स्टोर पर से आप परचेज कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो यहाँ देखते हैं लिबोसॉल्बेटामोल 0.31 mg। दोस्तों इस रेस्प्यूल्स को कई सारे समस्याओं में प्रयोग की जाती है। चलिए हम बात करते हैं और किन किन प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं। नंबर 1, जो कि सांस नली और लंग्स में मसल्स को फैलाकर रिलैक्स करके सांस संबंधित समस्याओं को ठीक करने के लिए प्रयोग की जाती है। नंबर 2, अगर किसी व्यक्ति को या बच्चे को अस्थमा की शिकायत हो, जिसमें व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है, तो यह रेस्प्यूल्स उन्हें दिया जाता है। नंबर 3, कोई पेशेंट है जिनको एलर्जी अस्थमा हो, तब यह रेस्प्यूल्स दिया जाता है। नंबर 4, किसी को एलर्जी के कारण ब्रोंको स्पास्मो हो गया हो, मतलब सांस लेने में जो मसल्स है लंग्स में खिंचाव आ जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उसमें भी दी जाती है। नंबर 5, किसी बच्चे को या किसी बड़े को निमोनिया हो, जिसके कारण उसे नियुक्त उसके चेस्ट में तथा सांस में जम जाती है, सांस नहीं ले पाते हैं, बहुत ही तेज से चेस्ट में से आवाज आती है, तो इस कंडीशन में भी दी जाती है। नंबर 6, कॉमन कोल्ड हो लेकिन वह बहुत ही लंबे समय से हो, जिससे कि चेस्ट से आवाज आती है, नाक से भी सांस नहीं ले पाते हैं, बच्चा कई बार मुंह खोलकर सांस लेता है, तो इस प्रॉब्लम में भी यूज की जाती है। तो दोस्तों इस रेस्प्यूल्स को तो इन सभी प्रॉब्लम्स में यूज की जाती है। चलिए हम बात करते हैं इसको डोज के बारे में, यूज कैसे करें। ये रेस्प्यूल्स मशीन में डालकर इनहेलेशन की जाती है एडल्ट और बच्चे को जो कि 12 साल से ऊपर हो। 2.5 ml पूरा एक एम्प्यूल एक बार में दिया जाता है, या दिन में 2 बार सुबह और शाम दी जाती है, और ज्यादा हो तो 3-4 बार भी लिया जा सकता है। अगर कोई बच्चा जिनकी उम्र 6-12 साल का हो, तो उन्हें 0.63 ml से 1.25 ml तक दिया जा सकता है, जिन्हें सुबह शाम एक एक डोज दी जाती है, और ज्यादा होने पर 3-4 बार भी दे सकते हैं। और 2 साल से अधिक बच्चों को डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग डोज कैलकुलेशन करके देते हैं, और 0-1 साल तक के बच्चों को 0.31 mg मतलब एक पूरा रेस्प्यूल्स दे सकते हैं दिन में 2-3 बार। चलिए हम बात करते हैं इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसको निमोलाइजर मशीन में डालकर ली जाती है। मशीन किस तरह का होता है? एक मशीन होता है, एक पाइप, एक कप तथा मास्क, ये 4 पार्ट्स होते हैं। इसके मास्क को मरीज के मुंह पर लगाया जाता है, और ये जो कप है इसमें दवा डाली जाती है। सबसे पहले कप में दवा डाली जाएगी, मास्क को मरीज के मुंह पर लगाया जाएगा और मशीन को प्लगिंग किया जाएगा। नंबर 3, जब मशीन चालू होगा भाप बनेगा, और वह भाप बन के मरीज के सांस से फेफड़ों से सांस नली में जाकर अपना कार्य करेगा। तो इस तरह बड़े को और बच्चों को लगाया जाता है। चलिए हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। हाथ पैर में कंपन होना, थकान होना तो इत्यादि किसी केस में दिखे तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, इस रेस्प्यूल का यूज करना बंद कर दें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक दोस्तों, ये था इसका हमारा वीडियो लिबोलिन 0.31 mg रेस्प्यूल के बारे में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपको किसी भी दवाई से संबंधित जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।